लाली चेक बार मत मारो मुझे मत मारो मुझे लगता है आप लोग बहुत बिजी है काम में लगते हैं मैं बाद में आता हूँ ओए जेठालाली तुमको देख के दिल खुश होती कैसा होती तुम अभी तक तो अच्छी होती ओए बंद करो और बॉबी कैसी होती और तुम्हारा बेटा टप्पू वो कैसी होती वो भी अच्छी होती शेख भाई ये क्या हो क्या रहा था वही कोई नहीं तुम्हारी जैसा एक डीलर होती हमसे वादा करती फिर मुकर जाती कल वो हमको 24 लाख रुपए देनी होती तो नहीं दिया वही दी लेकिन आज 24 घंटे बाद दी तो शेख का वादा तोड़ती शेख उसका ऐसा हालत करती वही अब तुम जाओ और वापस शेख से क्यों वादा कभी मत तोड़ना आज बर्थडे होती इसलिए छोड़ देती अरे वाह मुझे नहीं मालूम था हैप्पी बर्थडे शेख बाल ओए हमारा नहीं उसका बर्थडे होती इसलिए छोड़ देती ओए जेठालाली तुम कड़ी क्यों होती बैठती तशरीफ रखती आप भी रखती मैं भी रखती अरे शेख साहब ये इसमें आपका हिसाब और आपका चेक ओए जेठालाली बिजनेसमैन होती तो तुम्हारे जैसे होती जो वादा करती वो पूरा करती हाँ। जेठालाली हम रोज रोज इंडिया में ये छोटा छोटा डीलर लोग के साथ बिजनेस करके बहुत परेशान होती ये पहले वादा करती फिर तोड़ती फिर हम उसको मारती तो हमारा दिल में बहुत दुखती हम सोचती कि इंडिया का पूरा डीलरशिप एक ही आदमी को दे देती तुम डीलरशिप लेती पूरा इंडिया का हाँ पूरे इंडिया की डीलरशिप लेती अगर मैं पूरे इंडिया का डीलर हो गया तो करोड़ों का फायदा हो सकता है ओए जेठालाली क्या सोचती डीलरशिप लेती कि नहीं लेती अरे लेती बिल्कुल लेती अरे शेख साहब अगर आप पूरे इंडिया की डीलरशिप देती तो कोई गधेड़ा ही होती जो नहीं लेती वो अपनी डील पक्की अरे पक्की पक्की एकदम पक्की अभी मैं आपको देती हूँ पप्पी वाह वाह शेख साहब आपने तो मेरी लाइफ बना दी आज सुबह किसका मुंह देखा था बबीता जी का ही देखा होगा बैठिए बैठिए शेख साहब वाह 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 अच्छी जेठालाली अभी तुम जाती ठीक है जैसा आप बोलती मैं चलती ओए किधर जाती रुकती रुकती ये लेके जाती ये लो ये क्या है खजूर अरे इसकी क्या जरूरत है आपने पूरे इंडिया की डीलरशिप मुझे दे दी उसमें सब आ गया ओए कोई नहीं वो हमारा 5 नंबर का बेगम ने तुम्हारे बेटे के लिए भेजी माफ करना शेख साहब पर आप पिछली बार आए थे भी चार ही बेगम थे क्या नहीं थे तू बराबर बोलती वो पिछले महीने बिजनेस थोड़ा टेंडर रहती अच्छा इसलिए पांचवा शादी चलो ठीक है तो पांचों भाभी को मेरा नमस्कार बोलना और मम्मी पापा कैसे सब खैरियत से होती और वो छोटा रहमान भाई रहमान का थोड़ा प्रॉब्लम होती क्यों क्या हुआ उसका उसका दोनों किडनी खराब हो जाती अरे 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 दोनों किडनी हाँ जेठालाली अरे बाप रे तो अभी अभी डॉक्टर बोलती कि एक भी किडनी का बंदोबस्त होती तो उसका जान बच जाती तो कर दो एक किडनी का बंदोबस्त वही किडनी ढूंढती मगर नहीं मिलती किडनी एक किडनी का 20 लाख रुपया देती फिर भी किडनी नहीं मिलती किडनी नहीं मिल रही है ऐसा तो नहीं होता किडनी तो अच्छा शेख भाई एक बात बताओ आप इंडिया में कितना दिन है ओए हम एक हफ्ता 10 दिन रुकती हफ्ते में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है हा? शेख भाई अभी आप चिंता छोड़ दो
आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका भाई मेरा भाई। रहमान भाई के लिए किडनी अगर मैं ढूंढू तो आपको कोई प्रॉब्लम है? जेठालाली तुम क्या बोलती? हाँ हाँ, रहमान भाई के लिए मैं किडनी ढूंढती। अरे अगर और कोई किडनी नहीं मिलती तो मैं अपनी किडनी देती। वही जेठालाली तुम अपना किडनी देती? हाँ उसमें क्या है। वही जेठालाली तुम वादा करती? हाँ ये सच्चा बिजनेसमैन का पक्का वादा होती। तुम वादा करती? हाँ उसमें क्या वादा करती। जेठालाली तुम जानती जो शेख का वादा तोड़ती शेख उसका क्या हाल करती? हाँ हाँ अभी देखती।